वहाँ पे जाओ। हाय फ्रेंड्स, हम लोग कहाँ आए हुए हैं? कहाँ जा रहे हैं नीलम? हम लोग बुर्जुमान डे टू डे। और अभी हम लोग सिग्नल पे खड़े हुए हैं और वेट कर रहे हैं, जैसे ही सिग्नल ग्रीन होगा। आप ना इतनी जल्दी नहीं करो, ये वाला नहीं हुआ। तो जैसे ही हमारा सिग्नल ग्रीन होगा, आप लोगों को मेरी आवाज़ पता नहीं आ रही है नहीं आ रही, तो फिर हम लोग क्रॉस करेंगे। तो ये देखें, यहाँ हम रहते हैं, कितना प्यारा है ना दुबई। वाह भाई वाह, कितना क्लीन है सबसे ज़्यादा। हाँ तो आपने क्या बोल रही थी, आप बोले? हाँ तो ये है सामने बुर्ज खलीफा, हमारी बिल्डिंग के साथ ही बैक साइड पे है और हमें इधर आके बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। हमें जाने की जरूरत भी नहीं पड़ी, हम यहीं से मजे ले रहे हैं, बैठ जाते हैं, मजे कर लेते हैं, बाय बाय कर देते हैं, है ना। और ये वाला सिग्नल हमारा बहुत देर से खुलता है भाई, बहुत देर से। और ये सामने देखेंगे, ये है रेस्टोरेंट। हाँ ओपनिंग हो गई है ना इसकी, तो बस ये के प्योर वेजिटेरियन है ना वो रेस्टोरेंट। हाँ। देखेंगे, जाएंगे, ट्राई करेंगे। हम वैसे तो हम लोग नहीं जाते क्योंकि हाँ वेज पसंद नहीं करते। चलो भाई, हमारा सिग्नल ऑन हो चुका है और ये हमारे जाते जाते ही आप लोग देखिएगा बंद भी हो जाएगा। देखा हम लोगों ने, ये कितनी सी देर के लिए खुलता है, कितनी सी देर के लिए। ये राजमहल प्योर थाली। तो रात में हम निकले थे वॉक करने के लिए, तो हम लोग देखे कितना प्यारा है दुबई और हम यहाँ पे वॉक करने के लिए निकलते हैं। मैं, मेरी फ्रेंड, ये मैं हूँ, ये देखे ये मेरे हाथ है। चलो भाई आमना, ये मेरी फ्रेंड आमना का कितना क्यूट हाथ है, ये नीलम का। वाह भाई वाह, कितना प्यारा हाथ है ना हम लोगों का। और ये देखे, हमें तो उधर जाना था ना, नहीं हम लोग ठीक जा रहे हैं आज, लंबा गलत जा रहे हैं क्या, ठीक जा रहे हैं ना। तो देखें, हम लोग बातें करते करते आज हमने लॉन्ग रूट ले लिया और जो है हम लोग आप लोगों से बातें करते, कितना कुछ दिखाना पड़ जाता है आप लोगों को। तो ये देख कितनी मेहनत होती है हमारी, है कितनी मेहनत करते हैं ना हम ना। तो अब हमारे ब्लॉग में आमना भी आएंगी। हाँ, आवाज का ख्याल रखना पड़ता है जस्ट आप लोगों के लिए, क्योंकि हमें कुछ ठंडा नहीं खा सकते, गर्म नहीं खा सकते, क्योंकि हमें आपके लिए अच्छी अच्छी वॉइस निकालनी होती है। सो प्लीज गाइस, आप ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच। कौन सी जगह? बैंक स्ट्रीट। बैंक स्ट्रीट, ठीक है। और ये देखो कैसी खतरनाक जगह से आमना उतर रही है, आमना संभल के है। और जो है यहाँ पर जो है मतलब हम लोगों को रोड क्रॉस करके सामने वाले रोड पे जाना था, तो हमने बोला यार इतना लंबा, मतलब उसके लिए फिर सिग्नल के लिए खड़ा होना पड़ेगा, तो इसलिए ऐसे करते हैं मेट्रो स्टेशन के अंदर से चलते हैं और मतलब जल्दी से पहुँच जाएंगे, क्योंकि जो है 12 बजे बंद हो जाता है ना, तो टाइम ज़्यादा हो गया था तो इस वजह से। तो अभी हम लोग आ गए हैं मेट्रो स्टेशन के अंदर, बुर्जुमान मेट्रो स्टेशन के अंदर। तो भाई कितना अच्छा सा बना हुआ है ना, काफ़ी अच्छा सा बना हुआ है यहाँ पे। किसी दिन आपको इसकी पूरी फुल वीडियो बना के दिखाऊंगी। और ये जो है ना इन आउट करने के लिए हमें तो जाना ही नहीं था, तो इस वजह से हम लोग ट्रेन में तो जा रहे ही नहीं थे, तो इस वजह से हम लोग जो है यहाँ से लिफ्ट के ज़रिए, बस हमें समझ लें हमें वहाँ जाना था, डे टू डे जाना था, तो इस वजह से। अभी मेरी दोस्त आमना इतनी कोई थक गई थी बेचारी, तो इस वजह से वो तो बैठ गई, वो कहती है मैं बैठ जाती हूँ, तो वो बैठ गई थी। वो उसको जहाँ जगह मिलती है ना वो बैठ जाती है, मतलब बहुत अच्छी माशाल्लाह, बहुत प्यारी दोस्त है मेरी ना। तो देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं इसके पैर ना, और इससे बेचारी से खड़ा चलती नहीं है ज़्यादा ना, थक जाती है काफ़ी ना। और इसकी तबीयत भी ठीक नहीं थी, फिर भी हम लोग इसको घसीट के लिए आए, नहीं यार चलो चलो चलो, फिर हम लोग ये कि हम लोग फिर बुर्जुमान चल वहाँ। ये सक्सेसफुल हो गई है, तो भैया हम पहुँच गए हैं अपने मकाम पे, वो है मैक्स बुर्जुमान के एग्जिट 2। नहीं मैं कंफ्यूज नहीं कर रही, दरअसल मुझे पता नहीं है ना, पहले हम लोग 2 पे आए थे, शायद कैलिफोर्न 2 पे। ये बुर्जुमान का ना ऊपर दिखा दो, दिखाया जा रहे हैं। अब हम छी आ रहे हैं डे टू डे के अंदर, हमें जो लेना है वही जाएगा।
यस क्या मेरी दोस्त सामने को आते ही प्यास लग गई कि वो रानी अपने राजा को तलाश करने लग गई है ना रानी नहीं है खा लो पी लो मैं तो नहीं पीऊंगी ये मेरे दोस्त दबा दबा के कि जूस बाहर आ जाए खरीदना ना पड़े इसको नहीं नहीं मजाक करे यार ये सिर्फ ठंडा गरम चेक करे ना अपना ठंडा नहीं है हाँ ठंडा नहीं है बिल्कुल हाँ आगे अरे वाह इतना भी सस्ता नहीं भाई था ना ये देखिए हाँ हैंड वॉश बस एक दिरहम में तो मैं अपनी दोस्त नीलम को कह रही थी यार थोड़ी सी वीडियो बना लो मेरे हाथ में पता नहीं क्या हो गया था अचानक से ना तो मैं उसको कह रही थी कि चलो तुम वीडियो को बनाओ तो कहती है चलो ठीक है मैं बनाती हूँ तो बस फिर ये कि वो वीडियोज वगैरह बनाने लग गई थी रमजान के डेकोरेशन के लिए ये देखिए व्यूअर्स रमजान आने वाला है और ईद मुबारक कितने प्यारे प्यारे वाह ये सब हम आपको गिफ्ट में देंगे व्यूअर्स पाकिस्तान पहुंचाएगी ये सब्सक्राइब लाइक और शेयर कीजिएगा हमें थैंक यू सो मच पाकिस्तान आएंगे तो जरूर मुलाकात होगी यहाँ पे कितना प्यारा नीलम ये देखिए ये और पता है इतनी इसकी रेट कितनी है बस 10 dirham ओनली 10 dirham यहाँ पे बहुत सारे गिफ्ट मिलते हैं देखिए दुबई में हर चीज़ मिलता है ना डेकोरेशन के लिए चले यहाँ पे तो हमें क्या अच्छी चीज़ें वगैरह भी थी पर जो है हम लोगों को ये सब चीज़ें नहीं चाहिए थी हम लोग ग्लासेस वगैरह देख रहे थे पर हम लोगों को समझ नहीं आ रहा था तो बस ये है कि अच्छे नहीं लग रहे थे कोई भी ग्लासेस क्योंकि अभी जाहिर सी बात है गर्मियाँ स्टार्ट हो रही हैं तो फिर ज़रूरत पड़ ही जाती है ग्लासेस की तो बस ये है कि हमें जो काम करना है थे जो चीज़ हमें लेनी थी हम वही ले रहे थे और फालतू चीज़ें तो हम बिल्कुल भी नहीं ले रहे थे क्योंकि जाहिर सी बात है जब आप बाहर निकलते हो ना और आप मार्केट वगैरह जाओ तो फजूल की जिसकी आपको नीड भी नहीं होती ना वो भी आप ले लेते हो तो ये होता है सीन तो बस ये है कि मैं तो जो है अपना जहन बनाकर आई थी कि मुझे नहीं चाहिए कुछ इतना कोई ख़ास चीज़ मुझे नहीं चाहिए और मैं नहीं लूँगी कुछ भी तो बस यहाँ पे नीलम ये कि अभी वो जो है लंच बॉक्स देख रही थी पर डिसाइड नहीं कर पा रही थी क्या लेना है क्योंकि सर से बात है कल से उसको ऑफिस जाना है तो बस इस वजह से वो डिसाइड ही नहीं कर पा रही थी कि मुझे उसे कौन सा लेना है तो काफ़ी टाइम लग गया था हम लोगों को यहाँ पे उसको इतना बड़ा भी नहीं चाहिए था पर यह कि काफ़ी अच्छे अच्छे थे काफ़ी प्यारे प्यारे थे यहाँ पर ना तो पिटोगी तुम मेरे हाँ तो आप ना दिखा रही थी ना क्या दिखा रही थी इसमें आप दिखा ये देखो व्यूअर्स कितनी प्यारी कितने क्यूट है आप कर सकते हैं कुछ भी डाल के और सिर्फ 7 dirham हाँ 7 dirham और ओनली 5 dirham इसमें आप सर्व कर सकते हो व्यूअर्स केचप चटनी या जो भी आप रमजान में बनाना चाह रहे हैं व्यूअर्स प्लीज आइएगा लाजमी इंशाल्लाह और आप चक्कर जरूर लगाइएगा देखो व्यूअर्स वेरी नाइस छोटे वाला दिखाएं सबसे छोटे वाला ये क्या प्राइस है इसके इसमें हम रखे 2 dirham ये देखिए कितनी प्यारे प्यारे बाउल है यहाँ पे वाह वो वाला दिखाएं कलरफुल जो है इसे हेल्प कर बच्चों के लंच बॉक्स वगैरह हर चीज़ थी और काफ़ी अच्छे अच्छे जो लंच बॉक्स वगैरह थे बहुत सारी काफ़ी वैरायटी थी ना तो बस ये कि हमने देख रही थी उसको पाकिस्तान भिजवाना था कुछ ना कुछ मतलब क्योंकि उसके हस्बैंड वगैरह जा रहे हैं पाकिस्तान ये लोग ईद करने जा रहे हैं तो
तो इन्होंने सोचा कि मतलब कुछ ना कुछ जाहिर से पास गिफ्ट्स वगैरह लेके जाते हैं, घर में बच्चे होते हैं तो उनके लिए तो मतलब ऐसी चीज़ें उन्हें अच्छी लगती हैं, टॉयज हो गए या इस तरह की चीज़ें उन्हें पसंद होती है। तो ये है कि हम लोग देख रहे थे, मतलब ये कि अभी उसने लिया नहीं है, आइडिया कर रही थी कि उसको क्या लेना है क्या नहीं लेना। तो ये कि ड्रेस वगैरह तो उसने लिए थे, तो मैं आप दिखाऊँगी कि कौन से ड्रेस उसने लिए थे, तो काफ़ी अच्छे हम लोग। तो यहाँ पे हर चीज़ मतलब हमें तो ऐसे लगती है यार, 2 dirhams 3 dirhams वाओ कितना सस्ता है ना, कितना अच्छा है ना। तो बस ये होता है हमारे साथ। तो और जो है बस ऐसी ही मैंने सोचा चलो आपको थोड़ी सी वीडियो बना के दिखा देती हूँ। बस मेरा कैमरा जो है हिल रहा काफ़ी था, और जो है क्योंकि जो है ना यार इतना काफ़ी छोटा मैंने बताया था ना, छोटा था और रश भी काफ़ी ज़्यादा था ना। तो बस ये है कि हमें थोड़ी बहुत वीडियो मैंने सोचा आप लोगों के लिए बना लेती हूँ। तो बस ये है कि आमना को पिज़्ज़ा कटर चाहिए था क्योंकि वो पिज़्ज़ा बनाएगी, तो उसने सोचा कि यार पिज़्ज़ा कटर ले लेते हैं ना, तो इस वजह से उसने पिज़्ज़ा कटर ले लिया। यही तो होता है हम लोग कुछ लेने कुछ आते हैं और लेके इतना कुछ फालतू की चीज़ें चले जाते हैं, ये ले लें वो ले लें, तो बस इसी तरीके से होता है। पर यह कि हमें ज़रूरत तो होती है, कभी ना कभी वो हमें काम आ जाता है। तो वैसे तो अभी वो पिज़्ज़ा बनाने वाली नहीं, उसने बोला नहीं यार ले लेती हूँ, ज़रूरत पड़ जाती है ना, तो बस यही वजह थी। और यहाँ पर ये बैग्स वगैरह देख रही थी आमना, और काफ़ी अच्छे अच्छे क्योंकि मैंने बताया था ना कि वो पाकिस्तान जा रही है। तो बस ये कि यहाँ पर बच्चों के लिए बड़ों के लिए हर चीज़ मतलब काफ़ी अच्छी चीज़ें थी यहाँ पे ना, और प्राइस भी इतने रिजनेबल प्राइस होते हैं यहाँ पे, कोई इतने ज़्यादा प्राइस इतने ज़्यादा नहीं होते, अच्छे थे। आप लोग भी जब यहाँ आए तो ज़रूर विज़िट करिएगा बुर्जुमान में ना, तो काफ़ी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं यहाँ पे। तो ये पर्स वगैरह थे और काफ़ी अच्छे थे, मैंने सोचा चलो थोड़ी सी वीडियो बना लेनी चाहिए और ताकि आप भी देख लें। अगर आप लोगों को कुछ अच्छा लगे तो आप भी विज़िट करिएगा यहाँ पर, और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ना। तो देख लें कि किस तरीके से कितनी मेहनत करके मैंने ये वीडियो बनाई है, और जो है एक एक चीज़ को दिखाना कितना मुश्किल हो जाता है, और अजीब सा भी फील होता है यार, लोग देखते हैं यार क्यों वीडियो वॉइस ओवर कर रही थी, करना पड़ गई मुझे, वरना मैं वॉइस ओवर नहीं कर रही थी, मैंने सोचा था डायरेक्ट वीडियो बनाऊँगी। तो आमना को ये बैग बहुत पसंद आया था, आमना ने यह बैग भी लिया था ना, उन्होंने अपनी भांजी के लिए ये बैग लिया था कि उन्हें पाकिस्तान लेके जाना है। तो बस चेक कर रहे थे कि कैसा है क्या है, तो ये वाला ब्लैक वो वाइट और ब्लैक वाला बैग ये लिया था हमने, बैग वाला वो मुन्ना वो वाला अरे भाई वो चमत्कार तो मैं ना जा पाऊं वहां पे, हमने उतारो ये वाला, तुम्हारी इतनी लंबी हाइट है, वाओ कितना ये तो नहीं बच्ची का हां अच्छा है पर छोटा है बहुत, नहीं लगाते लड़कियां भी। हाँ ये देखिए यहाँ कितने प्यारे प्यारे प्लो, और हमारी दोस्त आमना देख रही है जब तक मैंने सोचा यहाँ की थोड़ी सी वीडियोस बना लेती हूँ। तो बहुत अच्छे और सस्ते दाम में, सस्ते एकदम रिजनेबल प्राइस में, बहुत अच्छे प्राइस में यहाँ पे मिल रहे हैं, और क्वालिटी तो और माशाल्लाह, माँ सद के जाऊँ। इससे बड़ा क्या लोगे आप? और बड़ा चाहिए? तो ये प्यारा सा कलर ले लो कोई सा भी जो भी पसंद है, ये रेड है, ये आपका फेवरेट कलर यही ले लें आप। फुट सेक्शन तो कौन दे, 9 फुट सेक्शन, येलो है ना, कितना कलर डिफरेंट लग रहा है, नहीं येलो नहीं है, ये मस्टर्ड टाइप का लग रहा है, मस्टर्ड है येलो, ये लेमन लेमन सा होता है ना, वो लेमन है। हाँ वो मस्टर्ड है, सही बोल रही हो, ये ऑरेंज है, अच्छी वाली में चाहिए, नहीं ये जाए नमाज है, दिखाओ कितनी प्यारी जाए नमाज है, वाह देखो ना यार टावल मुझे इनके लिए चाहिए, ये वाला ले लो इनके लिए, ये वाला ले लो, ये वाला बाल पोछ ये निकाल देना, सारा निकाल देना, मुझे उठा मैं निकाल दूं सारा, मैं निकाल देती हूँ भाई हट जाओ, मुझे उठाएगी ये, मुझे उठाएगी, उठाया है इसको, वो है ना इसकी हाइट इतनी लंबी, ठीक है क्या बोलती है, बड़ा भी है, बहुत अच्छा है, दिस नॉट गुड, दिस गुड।
फूड नहीं लूंगी, नहीं तो पहली फुर्सत में ही नहीं पसंद आएगा। उठाओ। ये गर्मी आने वाली है, हमें कैसा लेके जाना चाहिए ना ब्लैंकेट। बहुत गर्मी आ रही है, लेकिन तुम्हें हमेशा सर्दी लगता है। कितने का ही है? 10 दिरहम होगा। मैंने तो पहले 10 दिरहम में लेके गई थी, 10 दिरहम में मिला है। 11 अभी पैसे बढ़ा दिया इन्होंने। ग्रे कलर अच्छा था, इतना गंदा कलर। आम ना आई है यहाँ पे बच्चों के ड्रेसेस वगैरह देखने के लिए, तो भाई ये कुछ इस तरीके से ड्रेसेस वगैरह है यहाँ पे ना। तो भाई जैसे जैसे मौका मिल रहा है हम बनाते जा रहे हैं वीडियो। फिर जाहिर सी बात है आम ना टैग देख रही है, इसके प्राइस देख रही हूँ। हाँ प्राइस, सॉरी सॉरी सॉरी, हम सामान नहीं ले रहे हैं ना। नहीं हम नहीं ले रहे। मेरी दोस्त नीलम को ये ड्रेस बहुत पसंद आया है। नहीं पसंद आया, नहीं पसंद आया। क्यों? ये अच्छा लग रहा है। जो मैंने लिया था ना वो वहाँ पे नहीं है, वहाँ पे नहीं है। कौन सा वाला? कल जो लिया था वेलवेट। चेक करा है? यार वहाँ की टाइज वगैरह हर चीज वहाँ की अच्छी थी। क्या बोलती हो आमना? ये अच्छा लग रहा है। हाँ मैं अपने लिए तो लेने आई हूँ। नहीं यही वाला प्यारा लग रहा है। दिखाओ, हिलाओ मत। अच्छा लग रहा है। दिखाओ प्यारा, ये अच्छा है। ऐसा है कि हमारी आमना का तो दिल ही नहीं भर रहा। छोटे छोटे बच्चों के कपड़े दिख दिख के अब ये दिखे, और सिर्फ 11 दिरहम नहीं 12 उसके बाद हम लोग काउंटर पे आ गए थे बिल पे करने के लिए। और बस अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और हमने नीलम